देख रहे भाई कितने देर चल रही ट्रेन, तगड़ी हो रखी है देखो भाई, घंटा भाई लग रहा है पहुंच नहीं पाएंगे आज, पर भाई तुम्हारा भाई पूरी कोशिश करेगा पहुंचने की आ जाए ना। देखो भाई भीड़ चेक करो भाई, देखो भाई चलना मुश्किल पड़ रहा है भाई, खाली सारी सर दिख रहा है लोगों का। ये देखो अंदर अंदर जाना पड़ेगा भाई, मैं ट्राई करूंगा एक बार अंदर जाने की। बाकी भैया क्या है, भैया चले गए वहाँ से 40 रुपए का भाई, कोई सा भाई 40 रुपए का, 40 रुपए का भाई कोई सा भी। और वो क्या है, रंगोली कलर है भाई, वो देख लो भाई वो कितने के, 50 के। ये देखो भाई चेक करो भाई, ये देखो भाई जल्दी बाज में कितने कितने तगड़े में चढ़ना पड़ता है। ये देखो भाई, मतलब भाई एक बार में ना 10 बोरी चंडी पड़ती है लेके पता है एक साथ। ये देखो भाई, ये देखो, इन भाई को भी एक शॉट आउट है, थैंक यू भाई आपने सीट लूटी मेरे लिए, भैया के लिए, अंकल के लिए, मेरे लिए भाई सीट लूटी भाई ने। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो भाई आपसे मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो भाई तुम्हारा भाई आज जा रहा है सदर बाजार, क्योंकि भाई हर साल तुम्हारा भाई ब्लॉग बनाता है पटाखों का। तो भाई अभी तुम्हारा भाई आ चुका है यहाँ पर स्टेशन पर, तो लोकल से अपन जाएंगे। तो ये है भाई यहाँ का तुकलकाबाद का मेट्रो स्टेशन, सॉरी मेट्रो स्टेशन बोल रहा हूँ, ये है तुकलकाबाद का रेलवे स्टेशन। तो अपन को यहाँ से नहीं, अपन को उस साइड से, मतलब अपन को उधर से पकड़नी है दूसरी वाली ट्रेन। तो अभी अपन ने उस वाले डब्बे में जाके पता करा कि भाई ये वाली जाएगी कि नहीं जाएगी। तो ये वाली जा रही है भाई पलवल, ठीक है पलवल। तो बाकी भाई बोल रहे हैं भाई सब बोलो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 6 महीने रुक जा मेरी बोल, एक बार बोल दो भाई सब्सक्राइब कर दो। तो भाई ने बोल दो सब्सक्राइब कर दो, ये देखो बाय भाई। तो भाई भाई को बाय बाय कर दिया। तो अभी अपन उस साइड से पकड़ेंगे दूसरी ट्रेन, तो वहां से निकलेंगे सदर के लिए, ठीक है। तो देख लो भाई सारे भाई निकल रहे हैं, देखो ट्रेन अभी धीरे धीरे चल रही है, बहुत तेज पकड़ लेगी स्पीड। चलो भाई चलते फिर, है ना। ये लोग ऐसे लोकल जाते हैं तो इसमें पैसे वैसे नहीं लगते, अगर आप लेना चाहो तो 100 रुपए की टिकट ले सकते हो। तो ये रही सीढ़ियां, अपन से यहाँ से अभी यहाँ से वहाँ क्रॉस करेंगे। आ चुकी है अपन की ट्रेन, ये देखो। बाकी एक अच्छी बात दिखाऊं, बाकी अंकित भैया मिल चुके हैं, हेलो अंकित भैया। तो भैया मिल गए, बाकी अंकल नमस्ते, तो अंकल भी मिल गए साथ में। तो भाई अभी आगे ट्रेन, तो पीछे वाले डब्बे में हम बैठने वाले थे, पर पीछे वाला डब्बा था लेडीजों का, तो अभी अपन जा रहे हैं बॉयज वाले में। तो ये रहा भाई, भाई फुल्ली हो रखा है, कैडी बातचीत में देख रहे हो, ये देखो भाई पूरा फुल हो रखा है। तो अभी जगह बना रहे थोड़ा अपन, तो भाई पूरी फूलों के आई है यहाँ से। कहाँ से आई भी वाली ट्रेन, पलवल से आ रखी है भाई, ये वाली ट्रेन जो है पलवल से आ रखी है, और अभी अपन को जाना सदर, है ना। तो अपन को तो भाई वीडियो बनाना है पूरा A to Z, यहाँ से पूरा निकलते हुए घर से बनाया था। आज सुबह मैंने बोला भाई विपिन को, विपिन चल ले, उसको मैंने फ़ोन करा विपिन को चल ले, तो विपिन कह रहा भाई मैं तो जा रहा हूँ जूडियो, तो वो जूडियो पहुँच गया व्लॉग बनाने। तो मैंने उसको बोला भाई आज ही हो, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया मेरा, ठीक है। तो अब बोल रहा भाई कल चलेंगे, तो मैंने भाई कल नहीं आज जाऊँगा, तो उसको मैंने बोला आज जाने के लिए, तो आज वो निकल लिया और मैं अपना यहाँ पर आ गया, ठीक है। बाकी भैया भैया मिल गए, तो भैया भी जा रहे हैं वहाँ पर, और वो भी अपना शॉपिंग वॉपिंग करेंगे जो भी लेना उनको, और मैं अपना ब्लॉग बना के वहाँ से निकलूँगा। बाकी भाई जिसने अभी मुझे फॉलो नहीं करा अभी फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब पर भी फॉलो कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है भाई चलो फिर चलते हैं। बाकी क्या था अभी सीन, बहुत देर बाद चल पड़ी है ट्रेन, ये देखो भाई हरकेश नगर क्रॉस कर चुकी है अभी तक, है ना। तो अभी लग रही थी अपन को भूख, तो ये अपन लेट थे आलिम मोड़ से भाई, ये बिरयानी काफ़ी टेस्टी बनाता है ये बंदा, तो अभी अपन बिरयानी खा रहे थे। बाकी भैया तो खाना वाना खा के आए हैं, भैया खाना खाए हो, अच्छा फुल, मतलब भैया से मैंने बोला तो भैया बोल रहे पूरा खाना खा के आए। भैया दुकान पे कौन आशीष बैठा है, दुकान पे आज बैठा हुआ है, अंकल पीछे बैठे पड़े और सामने अंकल, है ना। यहाँ से कुछ भैया कितना आधा घंटा लग जाएगा, आधा सेकंड अपन पहुँच जाएंगे, ठीक है। बाकी भाई अभी अपन को भूख लग रही है, तो अपन ने बिरयानी खाई है, और भाई बाकी ट्रेन की काफ़ी सुविधाएँ काफ़ी ठीक है और काफ़ी बेकार भी है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे लास्ट में, और उसके पास बात करेंगे, ठीक है। तो बाकी अभी चेक कर लूँ, ऐसा कुछ सीन है, देखो भाई नॉर्मल स्पीड है इसकी, देखो आवाज़ बहुत करती है यार ये ट्रेन में, देखो। और बहुत जगह क्या सीन है कि ना पटरी जो है, पटरी बहुत जगह बन रही है ना, मतलब कहीं दिक्कत आ चुकी है। और अभी भाई एक बात क्या हुआ, चार बजे पांच बंदे थे, मुझे पकड़ चार बंदे, भाई चार बंदों को पुलिस ने पकड़ लिया, क्यों पकड़ा वो भी मैं बता रहा हूँ। मतलब बंदे अपने ट्रेन में जा रहे थे मुझे मस्ती करते हुए, और क्या हुआ अचानक से उनने भाई ये चैन देख रहे हो रेड कलर की, भाई ये किस सिचुएशन में खींची जाती है, जब भाई मतलब कुछ इमरजेंसी होती है या फिर कोई सीन होता है, मतलब मान लो किसी को कोई दिक्कत हो रही होती है, जब भी खींचा जाता है उसके पास आपके एक रीज़न भी होना चाहिए कि हमने क्यों खींचा है। उनने मुझे में खींच दिया, उसके बाद क्या हुआ उसने इन्फॉर्म कर दिया भाई साउंड में, और उसको ले गए, चारों को लेके बंद कर दिया भाई अंदर जाके, ठीक है। तो भाई आप भी अगर ये गलती मत करना, तो भाई जागरूक हो जाओ सारे भाई, ठीक है। देखो भाई सामने मालगाड़ी जाते हुए, देखो अलग अलग पटरी पे चलते भाई, अलग अलग वे पे जाते हैं ना, इसलिए ये देखो बहुत सही सीन है भाई।
बाकी भाई विंडो सीडी मिलने वाली थोड़ी देर में, विंडो सीडी मार लो इसको भी, है ना। ये देखो भाई काम कर रहे सारे भाई, ये देखो लगे पड़े हैं। टंकी देख लो भाई, ये मेरे गांव में है, सेम ऐसी टंकी मेरे गांव में बना रखी है, स्पेशल पानी के लिए होती है ये। चाचा कह रहे हैं वीडियो बन गई, बहुत पैसा हो गया। अब बात है जी एक्टिंग की, बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी। 1 लाख तो छाप ही दिया होगा भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाना, सच बता रहा हूँ। यहाँ वीडियो बनाओ, एडिट करो, थंबनेल बनाओ, इतना ज्यादा काम करना पड़ता है ना, सही बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये देखो साथ ही साथ चल रहे भाई, ये तो कोयला जा रहा है ना अंकल, कोयला जा रहा है ना, देखो चाचा बोल रहे कोयला जा रहा है, देखो देखो भाई इस वाले में भाई जा रहा है ट्रेन में कोयला पूरा, देखो पूरा ट्रांसफर होकर जा रहा है। और इसके तो उधर खड़ी है ट्रेन, वो है आगरा वाली ट्रेन, हो जाएगी आगरा यहाँ से। और साइड में भाई ड्राइवर लगा पड़ा था आराम से, खाना वाना का टंच, आराम से ट्रेन रुकी उसने, खाना वाना खा के आराम से निकल रहा है। तो अपन ने भी खाना वाना खा लिया, खाना क्या यार, सुबह उठा रात को थोड़ा लेट सोया था, रात को मैं सोया था 2 बज गए थे मुझे सोते सोते, क्योंकि काम कर रहा था, और फिर थोड़ा इंस्टाग्राम तो थोड़ा बहुत चला लेते। और बाकी मैं सही बताऊँ तो इंस्टाग्राम भाई एकदम बेस्ट ऑफ टाइम है, अगर आप चलाते हो थोड़ा बहुत चला लो बहुत है, वरना भाई पता नहीं चलेगा टाइम कहाँ चला गया। बाकी ये चेक करो, अपन इस वाले डब्बे में बैठे हुए, पंखे वंखे लगे पड़े, अच्छी सुविधा दे रखी है बैठने के लिए, सीट जो है प्लास्टिक की है, उसकी है लकड़ी की, पिछली बार जो थी वो लोहे की थी, लोहे वाली सीट कर रखी थी पिछली बार, और इस बार जो है लकड़ी वाली सीट पे बैठे हैं अपन लोग, है ना। ये देखो भाई उसके बाद अभी कोई पता नहीं है, ट्रेन लेट है, काफ़ी ज़्यादा लेट है ट्रेन, और मतलब 1 घंटा लेट है, सब बता पहुँचा देंगे आधे से 1 घंटे में वहाँ पर पहुँचा देंगे सदर, और देखते भाई कितने देर में पहुँचेंगे, और पूरा वीडियो बनाऊंगा वो यहाँ से वहाँ तक, आप कैसे आ रहे हो, आपको आना है तो क्या टाइमिंग है ट्रेन की, और लोकल ट्रेन आपको कहाँ कहाँ से आप पकड़ सकते हो, ये कहाँ कहाँ रुकती है, सब कुछ बताऊँगा वीडियो के एंड में, ठीक है भाई। तो भाई अभी तो इन्जॉय कर रहा हूँ मैं पूरा, देखो भाई पूरी अभी खाली है, मतलब इतनी भरी नहीं है, पूरी खाली हो रखी है, देखो अभी पहले क्या था पूरी जगह नहीं थी, अब तो पूरा खाली वाली हो रखा है, देखो यहाँ से वहाँ तक पूरा, पहले यहाँ का भाई पैर रखने की जगह नहीं थी, अब क्या भाई थोड़ा बहुत खाली हो गई है, तो अब आप आराम से भाई इसमें बैठे हो, आराम से मौज ले रहे हो ना। चाचा हंस रहे, तमाम खिला दो चाचा, तमाम खिला दो मुझे भी, अभी मेरे लिए बना लेना। तो भाई तमाम खाता हूँ थोड़ी देर में, भैया आप आओगे? भैया नहीं आएंगे। तो भाई चाचा तमाकू बना रहे हैं मस्त। चाचा कौन सी तमाकू है, कौन सी वाली है, देसी है क्या? देसी है। चाचा बता नहीं रहे, थस्से में खा रहे चाचा। मजे आ गए किस वाली मार्केट में। तो भाई तुम्हारा भाई जा रहा है यहाँ से पूरा एड्रेस पे जा रहा है, और पहले बर्तन चौक पड़ेगा, उसके बाद देन आपको शॉप पे जाना है। बाकी चेक करो भाई भीड़ कितनी तगड़ी हो रखी है, देखो मैं घंटा भाई लग रहा है पहुंच नहीं पाएंगे आज, पर भाई तुम्हारा भाई पूरी कोशिश करेगा पहुंचने की आ जाए ना। देखो भाई भीड़ चेक करो भाई, देखो भाई चलना मुश्किल पड़ रहा है भाई, खाली सर ही सर दिख रहा है लोगों का। ये देखो अंदर अंदर जाना पड़ेगा भाई, मैं ट्राई करूँगा एक बार अंदर जाने की। बाकी भैया क्या है, भैया चले गए वहाँ से, भैया ने बोला कि तुम अपना, भैया को उस साइड काम है और अपन को इस साइड काम है, तो यहाँ से अलग अलग रास्ते हो गए हमारे भैया के, तो यहाँ से जा रहे हैं शॉप पर, और शॉप पर मिलेंगे अपन को सीधा, है ना। चलो फिर दिखाता हूँ मैं आपको, आपको कैसे आना मैं आपको बताऊँगा पूरा, ठीक है ना। अगर आप अपनी गाड़ी या फिर बाइक वगैरह लेके आ रहे हो तो कैसे आना वो बताऊँगा। चलो भाई, तो ये होता है बिन पार्किंग के लगाओगे ना आप गाड़ियाँ, स्कूटी वगैरह गाड़ियाँ, तो ऐसे जाएगी देखो आपकी गाड़ियाँ, देखो ये बिन पार्किंग की जा रही है भाई, देख लो भाई। अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे पार्किंग लगाओ, उसके बाद यहाँ पे गाड़ी लगा के आप अपना जो भी सामान लेना है आपके वो सामान लो, उसके बाद जाओ भाई घर अपना। देखो अगर नहीं लगाई ना आपने तो भाई ऐसा सीन होगा आपके साथ। ये देखो भाई सारी गाड़ियाँ ले जा रहा है भाई, देखो भाई कोई सा भाई 40 रुपये का, 40 रुपये का भाई कोई सा भी, और वो क्या है, रंगोली कलर है भाई, वो देख लो भाई, वो कितने के, 50 के 10। दीपावली का पहले सामान लिया है रंगोली। आंटी मोमबत्ती कितने कितने की है? 3 है बेटा, इसमें 12 मोमबत्ती है, इसमें 25 मोमबत्ती है, भी 100 के 3 पैकेट है, ये भी गोल वाली नहीं, गोल वाली भाई भाई कितने, 100 रुपये, 150 रुपये, 100 150 100। बाकी भाई ये पैकेट मिल रहा है, ये कितने का है भैया, कितने का है, 100 रुपये का भाई, 100 रुपये का पैकेट मिल जाएगा ये आपको, चलो बढ़िया है। कोई भाई सारे 100 रुपये के अलग अलग है, 240 रुपये का है, और अच्छा कितने पीस का है, 10 पीस का है, तो भाई बाकी 100 रुपये का है और वो 240 रुपये का है, ठीक है। बाकी मेहंदी मिल रही है यहाँ, देखो पूरी खड़ी हो गई अकेले, 150 रुपये दे दो, 150 दूंगी, दो चाहिए। कितने घंटे है,
कॉस्मेटिक की दुकान खोल रहे हो या फिर कॉस्मेटिक की दुकान का सामान लेना चाहते हो तो आप यहाँ विजिट कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर सारा सामान मिल जाता है कॉस्मेटिक का, ए टू जेड गर्ल्स का और लेडीजों का। मतलब देखो भाई, देखो कितना बढ़िया बढ़िया यहाँ पे देखो वो मिल रहे, इयर रिंग्स मिल रहे हैं। देखो भाई, भाई क्या रुपये पेयर है? भाई 10 रुपये पेयर है हमारे भाई, 10 रुपये पेयर बिक रही है। देखो सारे अलग अलग है और ये वाले अलग है। ये भाई ये वाले क्या है? ये वाले भैया, ये वाले सेम रेट है हमारे भाई ने, सारे सेम रेट बिक रहे हैं। 10 रुपये पेयर है ये, आप मतलब अपना ले जाके भैया आराम से 30-30 रुपये 40-40 बिक जाएंगे। नहीं तो आराम से ये अपने मार्केट में ले जाके 30-30 40-40 रुपये ले जाके आप यहाँ बेच सकते हो अपने मार्केट में, ठीक है? तो अच्छा खासा बिजनेस खोल सकते हो इसका भी आप, क्योंकि देखो अलग अलग मिल रहे सारे बढ़िया बढ़िया। बाकी यहाँ पर देखो भाई मंगलसूत्र वगैरह मिल रहा है, देखो सही सही मंगलसूत्र भी मिल जाता है यहाँ पे गर्ल्स के लिए, औरतों के लिए, है ना? कितने के अंकल? 40 रुपये का मंगलसूत्र है भाई ये, 150-150 मेरे मार्केट में भाई 150-150 रुपये का बिकता है ये, ठीक है? ये भी आप भैया होल सेल में मिल जाता है के पास? मिल जाएगा तो होल सेल में भैया के पास मिल जाएगा, देख लो, है ना? तो ये बाकी ये डब्बे में मिल रहे हैं। डब्बे वाले कितने के अंकल? डब्बे मिलेगा ये 180 रुपये का डब्बा, 180 का डब्बा, ये पूरा डब्बा 6 पीस का। तो 6 पीस का आपको 180 का डब्बा मिलने वाला है, इसमें अलग अलग डिजाइन में आपको मंगलसूत्र मिल जाएंगे, देख लो भाई, है ना सारे। और बाकी ये वाले कितने के अंकल रखे हुए? 120 रुपये दर्जन है, बाकी चेक करो 12 पीस में 120 रुपये दर्जन है। ये क्या होता है अंकल? ये गले में पहनने वाला, गले का पहनने वाला है अंकल? अलग अलग सारा, सब अलग अलग सारा, ठीक है? बाकी देख लो कितना ज्यादा क्राउड लग रहा है, देखो भाई कितने ज्यादा वो लग रही है। चैनल का नाम क्या तुम्हारा? तुषार ब्लॉग्स अंकल चैनल का नाम। तो अंकल चैनल का नाम, तो भाई का फोटो ले लेता हूँ। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? ये देख लो भाई, ये अंकल मिलेंगे आपको यहाँ पर। अगर कॉस्मेटिक की दुकान खोलनी तो अंकल से कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है? बाकी देख लो यहाँ पर ये गर्ल्स का सामान मिल रहा है बॉक्स पैक। ये रबड़ बैंड मिल जाती है आपको, ये देखो रेड कलर की, वाइट में सारे रबड़ बैंड मिल जाते हैं। भैया क्या रुपए डब्बा है ये? कितने रुपए का डब्बा है ये वाला? पर ईयर बैंड आपको 10-20 रुपये भी बेच सकते हो आप, है ना? 10-10 5-5 रुपये की ईयर बैंड आपको मिल जाती है। और ये बड़ा वाला कितने का आंटी? सब 40 का है, ठीक है? रबड़ बैंड जो बता रहे हैं भैया सब 40 रुपये का है, तो ये भी आप ले सकते हो आकर यहाँ पर। देख लो बढ़िया बढ़िया रबड़ बैंड मिल जाता है, बाकी अलग अलग सारे रबड़ बैंड अलग अलग है। आंटी कितने का पैकेट ये वाला? 160 रुपये आपको ये पैकेट मिल जाता है। ये वाले चिमटी का पैकेट मिल जाएगा 60 रुपये का, ठीक है? बाकी आपको यहाँ पर नेल कटर मिल जाएगा अलग अलग तरीके का। बाकी ये ज्वेलरी का सामान मिल जाएगा सारा, ये देखो भाई सारा ज्वेलरी का सामान मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ तक देखो भाई सारा। और वो फॉइल पेपर मिल रहा है यहाँ पर, होल सेल में फॉइल पेपर है। भैया इयर रिंग्स क्या रुपए डब्बा है? अलग अलग रहते हैं, अलग अलग 40-50 30 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, भैया बता रहे स्टार्ट हो जाता है। और बाकी भैया चूड़िया ये क्या है, क्या रुपए भैया बॉक्स? 60 रुपये बॉक्स भैया बेच रहे चूड़िया, देख लो ये बढ़िया बढ़िया बॉक्स है। 60 रुपये बॉक्स में आप होल सेल में कर सकते हो यहाँ पर। भैया होल सेल भी ले सकते हैं आपसे? होल सेल 60 रुपये, होल सेल का ही 60 रुपये का है। रिटेल में भी देते हो भैया? रिटेल होल सेल दोनों देते हो? रिटेल नहीं देते हो तो भाई, बाकी रिटेल भैया रिटेल भी देते हैं पर ज़्यादा तो होल सेल देते हैं। रिटेल में ले रहे हो तो रिटेल में भी आ सकते हो आप यहाँ पर ले रहे, ठीक है ना भाई? ये भी ऐड जाता है, देख लो भाई अलग अलग तरीके के आपको ये मिल जाते हैं। लिप ग्लॉस है भाई, नेल पेंट सब मिल जाता है। भैया क्या रुपये बॉक्स दे रहे हो भाई जान? भैया क्या रुपये बॉक्स है? 600 रुपये का बॉक्स है भाई, देख लो सारे अलग अलग बॉक्स होने वाले। और ये वाला भैया ये लिपस्टिक का 160 रुपये का भाई लिपस्टिक का बॉक्स मिलने वाला आपको, है ना? देख लो भाई ये आपको होल सेल में आप अच्छे से बेच सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, है ना? देखो भाई सारा होल सेल मिल रहा है। जल्दी बाजी में देखो, ये देखो भाई, चेक करो भाई, ये देखो भाई जल्दी बाजी में कितने कितने तगड़े में चढ़ना पड़ता है। ये देखो भाई, मतलब भाई एक बार में ना 10 बोरी चंडी पड़ती है अंदर लेके, पता है एक साथ। ये देखो भाई, इन भाई को भी एक शॉट आउट है, थैंक यू भाई आपने सीट लूटी मेरे लिए, भैया के लिए, अंकल के लिए, मेरे लिए भाई सीट लूटी भाई ने। मैंने वहाँ से बोल दिया भाई 4-5 सीट लूट लेना, भाई ने लूट ली भाई, तुरंत हाथ वहाँ रख दिया भाई ने। मतलब ये देखो भाई, बाकी पीछे भाई देखो एक साथ भाई इतना सारा सामान लेके जाना ठंडा पड़ता है। ये देखो भाई इतनी सारी दिक्कत होती है, इतनी सी छोटी सी जगह होती है उसमें सब कुछ लेके चढ़ना पड़ता है। देखो बाकी भाई वीडियो बना लिए अपन ने और बहुत मज़ा आया। आते वक्त सीट नहीं मिली थी पर जाते वक्त सीट मिली, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी चल रहा है भाई घर पे रेस्ट वेस्ट करेंगे। बाकी आज मैंने पूरा मार्केट एक्सप्लोर करा है, किस सामान मतलब क्या सामान मिल रहा है, किस प्राइस में मिल रहा है यहाँ पर। और इस बार देखेंगे कि मतलब पिछली बार से बढ़ा दिया है इस बार, है ना? ये सही मिला सामान? कैसे मिला? ठीक रेट बड़े सामान मिला है तो भैया ने भी सामान ले लिया बाकी। और ये देख लो डेकोरेशन सामान लिया है, बाकी ये रहा ये भी लिया भैया ने, सारा डेकोरेशन सामान लिया है। देखो भाई बढ़िया बढ़िया, पिछली बार भैया और मैं आए थे वो लेने के लिए होली का सामान है। भैया होली का सामान लेने आए थे?
तो पिछली बार था भाई होली का सामान लेने, तो वो भी ले लिया। अपन ने बहुत बढ़िया डील मिल गई थी पिछली बार, तो अपन की थोड़ी जान पहचान भी है मार्केट में, तो मिल जाता सामान सही मिल जाता है सही रेट पे। तो भाई देख लो भाई, मतलब ए टू जेड है भाई, पटाखे कहीं नहीं मिल रहा मार्केट में। मैंने पूरा मार्केट एक्सप्लोर कर लिया, छोटे छोटे मोटे पटाखे मिल रहे हैं वो देखा अपन ने, तो उसमें मजा नहीं आया, क्योंकि भाई अपन तो बड़े, तो बड़े पटाखे फोड़ते हैं। भाई पटाखे हो चुके बैन इंडिया में, है बैन पटाखे है ना, तो वो नहीं मिल रहे। बाकी भाई इस ब्लॉग में ऐड करेंगे घर पे जाके, क्योंकि भाई पूरे मार्केट की डिटेल देनी है कि भाई किस टाइम पे क्या है, कहाँ मिलता है और कितनी भीड़। भाई अकेले मत आना, जेब कब कट जाएगी पता नहीं चलेगा, सही बता रहा हूँ। बाकी देखो भाई कैसे चिल्ला रहे लोग, देखो भाई सारे के सारे चिल्ला रहे लोग, देखो भाई सारे के सारे लोग चिल्ला, चिड़ियाघर बना रखा है भाई सामने, इतना इतना टाइम में घंटा लेट जाती है भाई। बाकी नई दिल्ली आ चुके हैं और नई दिल्ली से ट्रेन भी जा चुकी, चल पड़ी है। देखो भाई ये नई दिल्ली से ट्रेन चल पड़ी है पूरी, और हमारा भाई देखो सेठ के स्पीकर ले जा रहे हैं, 15-15 कितने इंची के भाई, कितने इंची के, 15-15 इंची के दो स्पीकर ले जा रहे हैं सेठ के। भाई का डीजे का काम है, और भाई बिहार से है ना, तो भाई का बिहार में डीजे है। भाई 12-14-16 जितने की बेस की आपको बुकिंग करनी है तो भाई से कॉन्टेक्ट कर लेना भाई, पूरा पूरे डीजे का भाई फुल नॉलेज है भाई को। भाई कौन कितने स्पीकर चला रहे भाई अभी डीजे में, वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड, पब्लिक के मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस तो पर डिपेंड करते कितने की बुकिंग करवा रहे हो। अच्छा मतलब जितने का ऑर्डर देता है तो ना भेजते हो आप, तो ठीक है भाई। बिहार में किस जगह डीजे है आपका, भागलपुर में भाई। अच्छा तो भाई का डीजे है भागलपुर में, ठीक है। तो भाई का पूरा डीजे काम है, अगर आपको टेंट का, शादी का या फिर कोई भी फंक्शन हो तो आप भाई से कांटेक्ट कर सकते हो, भाई का बहुत बढ़िया काम है। बाकी भाई यहाँ से भाई ये स्पीकर कहाँ बिहार जाएंगे पूरा, तो ये दो स्पीकर भाई ने बिहार के लिए बनवाए, मतलब भाई क्या खरीदे बनवाए आपने स्पेशली, खरीदे हैं आपने, तो सेठ के स्पीकर है भाई। देखो इससे पहले भी सेठ के चलाते हो भाई स्पीकर, माटा, तो भाई माटा के स्पीकर चलाते हैं। बाकी सेठ भाई फर्स्ट टाइम ले रहे हो सेठ के, तो सेठ के तो भाई हमारे फर्स्ट टाइम ले रहे, चेक करो भाई। तो मेरा भी एक दोस्त है डीजे वाला, डीजे वैष्णो, तो उसके पास भी है सेठ का, पर वो अलग ही है, वो अपना खुद ही बनाता है और उसका भी 10 बेस का सिस्टम है। बाकी भाई उसने 2 बेस चालू करा था, 10 बेस का अभी के टाइम पर उसका सिस्टम, और कड़ी डाटा है उसकी, 2 बेस नीचे लग जाते हैं। तो अगर उसके भी आपको बुकिंग करनी है तो भाई नंबर चल रहा होगा यहाँ पर, बुकिंग कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया आपको, मतलब बुकिंग हो सकती है नोएडा वोएडा कहीं पे भरी, जहाँ पर आपको बुकिंग करनी है करा सकते हो आराम से, ठीक है भाई। पूरी कड़ी डाटा है डीजे वैष्णो की, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। बाकी भाई जिसने मेरे पहले के ब्लॉग चेक नहीं करे, पहले के ब्लॉग चेक कर लेना भाई, काफ़ी बढ़िया बढ़िया तुम्हारे भाई ने ब्लॉग बना रखे हैं, और इससे पहले भी तुम्हारे भाई ने ब्लॉग बनाया था यहाँ का पब्लिक सामान का। बाकी इस टाइम दिवाली चल रही है, दिवाली का बनाया अपन ने। बाकी देखो भाई चल गई है ट्रेन, चल गई है भाई, पूरा रोशनी आ रही है, फुल हो चुकी है भाई पूरी यहाँ से, पूरा भाई फुल हो चुकी है। अभी जैसे जैसे स्टेशन आ रहे हैं वैसे वैसे लोग उतरेंगे तो फिर वापस चढ़ेंगे, है ना। अपन को जाना तुकल के बाद, तुकल के बाद उतर के सीधा घर चलते हैं, घर पे करेंगे थोड़ा रिलैक्स, बहुत थक चुके हैं, कुछ भी नहीं खाया भाई, बस थोड़ा सा खाया था बिरयानी खाई थी बाहर से, सुबह कुछ नहीं खाया था भाई, और पानी वाला पिया, अंकल कह रहे भूखे मार दिया भाई। देखो भाई बैग में क्या है, एक पानी की बोतल ये रही, सुबह मम्मी कह रही कुछ खा के तो चला जा, मैं मम्मी खा के लेट रहूँ खा के जाऊँगा, तो कल भी आया था मैं, कल क्या हुआ ट्रेन निकल गई, फिर मैंने पता करा टाइमिंग देखा, एक अंकल ने बताया मुझे, कह रहे भाई कि तुम लेट हो चुके हो, 1 बजे की ट्रेन थी वो निकल गई, अब 4 बजे की डायरेक्ट। मैंने बोला भाई 4 बजे कौन जाएगा मेरा भाई, इससे अच्छा तो अपन भाई अगले दिन आएंगे, अगले दिन निकल जाएंगे, है ना, अगले दिन चलेगा अपन इससे अच्छा। तो आज फिर पूरा प्रॉपर अपन ने डेडिकेटेड एक ब्लॉग बना